अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू urdu.com। माय नेम इज़ कुरत नकवी। मैं कोर्स नंबर पोटेंशियल ट्रेनिंग इन ASP.NET। पिछले ट्यूटोरियल में तो मैंने आपको बताया कैसे हम डाटा को यूज़ करते हुए डाटा ग्रिड व्यू को यूज़ करते हुए डाटा कैसे देख सकते थे, और डाटा फिर हमने ग्रिड व्यू को छोड़ के डाटा लिस्ट को देखा। डाटा लिस्ट को देखने के बाद हमने जो है उसको अपने अब डिटेल्स में डिटेल व्यू में देखेंगे डाटा कैसे रिप्रेजेंट होता है डिटेल व्यू में। उसके लिए हमने एक्सरसाइज फाइल पे जाना, चैप्टर 8 को सेलेक्ट करना है और डाटा एंट्री के में से ऑथर डिटेल डॉट ASP.NET के पेज पे जाना है। अगर मैं इसका डिज़ाइन देखूँ तो इसमें सिंपल डेटाबेस पे जाना है मैंने सर्वर एक्सप्लोरर पे, और अपनी वहाँ से जो डेटाबेस है उसमें से मैंने टेबल्स के अंदर जाके ऑथर्स के टेबल को ड्रॉप और ड्रैग करना है। पहले तो सेलेक्ट करके एक व्यू पैराग्राफ ब्रेक बना लें होवर टाइटल्स और ऑथर्स के पब्लिशर के नीचे। अगर तो आपको डेटाबेस जो है टेबल सही नज़र आए तो रिफ्रेश कर ले, डेटाबेस को कनेक्ट कर ले या फिर डेटाबेस के कनेक्ट करके रिफ्रेश कर ले। उसके अलावा अगर आपको जरूरत है ऑथर्स के पेज को आप ड्रॉप एंड ड्रैग करेंगे, आपको एज यूजुअल ग्रिड व्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। जैसे ही हमने ड्रैग किया है इसको तो हम इसमें से इसको जो ग्रिड व्यू है इसकी सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ सीक्वल डाटा सोर्स की ज़रूरत है। जैसे ही हमारे पास सीक्वल डाटा सोर्स जो है वो आ जाएगा तो हम उसको यूज़ करते हुए जो है इजीली उसको यूज़ करते हुए जो है टूल बॉक्स पर जाएंगे, डिटेल सेलेक्ट करनी है। डाटा की टैब में से सिलेक्ट करके आपने जो है डिटेल व्यू जो है वो सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप डिटेल व्यू अपना यानी सिलेक्ट कर चुके होंगे तो आप जो है उसको ड्रॉप और ड्रैग कर लेंगे, इसको पिन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, और ड्रॉप और ड्रैग कर लें। जैसे ड्रॉप ड्रैग कर लिया तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपका डाटा जो है कॉलम की शेप में तो नहीं नज़र आएगा कॉलम और रोज की, लेकिन जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें सोर्स पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो जैसे आपने यहाँ से ड्रॉप और ड्रैग किया अपना काम, ड्रॉप और ड्रैग कर लिया तो आपने इस पर वो टास्क लिस्ट पर जाके राइट एंड क्लिक करना है, वहाँ से सोर्स सेलेक्ट करनी है पहले तो कि कौन सी आपने सोर्स सेलेक्ट रखनी है। मैं तो इसको जो है सोर्स सेलेक्ट जो है ईज़िली वहाँ से डाटा सीक्वल सोर्स सेलेक्ट करूँगी। जैसे ही सीक्वल सोर्स सेलेक्ट करूँगी यानी चूज़ डाटा सोर्स में से, उसके बाद जो है मैं इसको कन्फिगर करूँगी। कन्फिगर कैसे कर सकती हूँ, देखिए अब मेरे पास डाटा तो आ गया है तो मैं जो है उसमें इसकी रिफ्रेश करूँगी स्कीमा। अगर आपको कॉलम अपने एट्रीब्यूट नहीं नज़र आते तो आप उसको रिफ्रेश करके आगे जो है वो प्रोसीड करेंगे, डिबग करेंगे तो देखेंगे कि आपको क्या नज़र आएगा। जैसे ही आपने डिबग किया कंट्रोल F5 को दबा के तो आपको ऑथर्स डिटेल नज़र आ गई। ऑथर्स डिटेल तो नज़र आ गई लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि इसमें ID वगैरह वो जो डेटाबेस के नेम है कॉलम नेम वही यहाँ आ गए, और साथ डाटा रैप भी है। तो हमने डाटा रैपिंग और ये जो है इनके विजुअल इफेक्ट्स को ख़त्म करना है जो हमें नज़र आ रहे हैं, तो उसके लिए नहीं इसको स्टॉप करके जब हम जाएंगे तो हम चेंजिंग करेंगे। तो पहली चीज़ हमारी क्या है कि हमने जो है अपने डेटाबेस को यानी वापस हम जब आए तो हमने एट्रीब्यूट्स के नेम को चेंज करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, टास्क मैनेजर की लिस्ट पे क्लिक करूँगी। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो वो जो है मुझे जो है इजाज़त देगा कि हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकें। अब मैं जाऊँगी उस पर ऑटो फॉर्मेट, तो ऑटो फॉर्मेट पर जाके इधर से मैं अपना जो फॉर्मेट चेंज करूँ, मैं सिंपल यूज़ करूँगी, आपको जो भी प्रोफेशनल ऑटो जो भी ऑटम जो भी आपको चाहिए होगा वो यूज़ कर सकते हैं। आपने ओके किया, आपके पास आ गया, आपने इसको डिबग किया कंट्रोल F5 दबा के, तो अब ये देखेंगे ये जो आपने फॉर्मेट सेलेक्ट किया वो ऑलरेडी उसके ऊपर अप्लाई हो चुका होगा। जैसे ही इस पर अप्लाई हो चुका है यानी आप ये देखें ID कॉलम पे अलग और नेम पे, लेकिन अब जो है हमने दूसरा टास्क ये है कि हमने ID ऑथर ID और लास्ट नेम वगैरह को चेंज करना है। तो एडिट फील्ड पर जाएंगे, वही टास्क में डिटेल व्यू टास्क में जाके एडिट फील्ड्स में जाएंगे, कोड के थ्रू भी कर सकते हैं हम, उसके थ्रू अगर आपको उसका मेन्यू आता तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। ID पे जाके इधर से हेडर टेक्स्ट मैंने कर दिया ऑथर ID और ओके कर दिया। और ओके करने के बाद यानी ये देखें आप सिलेक्टेड फील्ड में भी मुझे ऑथर ID आ गया, ओके किया मैंने, और जैसे ही ओके किया अब आप देखेंगे मुझे यह रिप्रेजेंट होने लगा। अगर तो आपने इसको रन करके देखने तो देख रहे हैं यानी कंट्रोल F5 दबाएँ तो विदाउट डीबगिंग करें, लेकिन अगर मैं कंट्रोल कोड पर जाऊँ तो आप ऑल शिफ्ट एंटर करेंगे जूम व्यू पे तो यहाँ देखेंगे ऑथर ID में जो हेडर टेक्स्ट हो गया ऑथर ID आ गया। इस तरह आप अपना उसका लास्ट नेम भी ऑथर लास्ट नेम कर लें, अगर आपने कोड के जरिए करना है तो लास्ट नेम कर लें ऑथर का फर्स्ट नेम, क्योंकि बाकी उनको जरूरत नहीं कि वो एज इट इज़ जो है डिफरेंट है वही वाले नेम है, बस उनके कैपिटलाइज कर देंगे ईच लेटर, जैसे फ़ोन का P बड़ा कर दूँगी, एड्रेस का A बड़ा कर दूँगी, सिटी का C बड़ा कर दूँगी, स्टेट का S बड़ा कर दूँगी,
और zip का z बड़ा कर दूंगी। इस तरह मैं इनकी चेंजिंग कर दूंगी, कंट्रोल एस करूंगी और फिर कंट्रोल F5 पर डीबग करूंगी जाके। तो आप देखेंगे कि अभी मेरी ऑथर आईडी लास्ट नेम वगैरह हो गया। अब हमने रैप करना है, रैपिंग टेक्स्ट ख़त्म करना है। डिज़ाइन व्यू पे गए, इस पर राइट हैंड क्लिक किया, एडिट फील्ड पे गए और एडिट फील्ड पे जाके जो है मैंने लास्ट नेम अगर सेलेक्ट किया तो उसकी जो मेरी रैप टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है उसको जो है मैं रैप टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को जो है यानी आइटम स्टाइल में जाके जो है मेरे पास आगे रैप का आ रहा है उसको फॉल्स कर दूंगी। इस तरह मुझे बारी बारी हर कॉलम के लिए यानी फर्स्ट नेम के लिए, फ़ोन के लिए, हर रो के लिए अपना करना पड़ेगा एड्रेस के लिए। और डाटा डिटेल्स व्यू का फ़ायदा ये है और नुकसान भी कह सकते हैं, ये सिर्फ एट अ टाइम एक ही रिकॉर्ड दिखाता है, यानी एक ही डाटा उसने फैच करता है। जब आपने मल्टीपल डाटा फैच करने थे तब आपके लिए ये सूटेबल प्रॉपर्टी नहीं चाहिए कि आप डिटेल्स व्यू को यूज़ करें। ओके किया, डीबग किया, तो अब आप देखेंगे इसको जैसे मैंने डीबग किया तो ये रैप होना शुरू हो गया। और ऑथर आईडी वगैरह के लिए आप सिंपल इसको इसकी जो विड्थ है उसको इंक्रीज़ कर दें 170 पिक्सल कर दें, आप और भी कुछ कर सकते हैं तो शायद वो हो जाए। अगर तो तब भी नहीं होता फिर हम बारी बारी जाके हेडर टेक्स्ट में भी यही काम करेंगे। डीबग करूँगी इसको स्टार्ट विदाउट डीबगिंग या कंट्रोल F5, तो आप देखेंगे कॉलम तो हो गए मेरे, यानी वन ग्रीन जो रिकॉर्ड फैच हो रहा है वो तो हो गया, लेकिन मेरा जो ऑथर लेबल का कॉलम है वो फैच नहीं, वो यानी वो हमारा जो है रैप नहीं हो, अनरैप नहीं हो रहा। तो ऑथर आईडी पे जाऊंगी तो ये मेरा हेडर के यानी जाके हेडर स्टाइल को ही चेंज कर दूंगी। हेडर स्टाइल को जाके मैं करूंगी रैप की प्रॉपर्टीज़ को फॉल और फिर मैं कर दूंगी ओके, क्योंकि मैंने हेडर स्टाइल को फॉल्स कर दिया तो अब जो है ऑलरेडी जितने भी मेरे हेडर स्टाइल है वो फॉल्स में चले जाएंगे और अनरैप हो जाएंगे। इस तरह ये आपने देखा कि हम कैसे डाटा को यूज़ करते हुए डिटेल्स को यूज़ करके अपना डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा।